हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट का यूनिट वन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दक्षिण भारत के महापाषाण। तो दक्षिण भारत के महापाषाण, इसके बारे में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर महापाषाण काल से संबंधित क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं उसको क्या है, एक एक किसी शव जो है शव के चारों ओर लगा दिए, तो इसको महापाषाण की संज्ञा दिए गए। जैसे कि एक यहाँ पर छत नुमा बना दिए, किसी को टोपी नुमा, तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हमें देखना है। और यहाँ पर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, कहाँ कौन से क्षेत्र में वो चीज़ पाई गई है, तो इनको भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेगालिथ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द मोगास, यानी कि मोगास मीन्स महा, महा मीन्स बड़ा, और लिथोस, लिथोस का अर्थ हुआ पत्थर से हुई है, तो ये एक ग्रीक शब्द है। कब्र या दफन जो है स्थलों को चिन्हित करने के लिए, तो जैसे कि एक कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके इधर पत्थर लगा देना, या उसको चिन्हित करने के लिए कि भाई यहाँ पे फलाना व्यक्ति जो है यहाँ पर, जैसे कि ईसाई धर्म में होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तब वहाँ पे एक पत्थर रख दिया जाता है, उसके ऊपर लिख भी दिया जाता है। तो ये तो आज वर्तमान में है, तो ये बहुत साल पहले, यानी कि यहाँ पर पाषाण काल जो है समाप्त होता है दक्षिण भारत में, और फिर ये वाली संस्कृति हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी वही चिन्हित करने के लिए क्या लगाए गए थे, पत्थर लगाए गए थे, बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। कर्नल मीडोज टेलर अपने पहले व्यक्ति थे, तो यहाँ पर क्या है, कर्नल मीडोज जिन्होंने क्या किया 1852 से 62 में कर्नाटक के शोरापुर दोआब में व्यापक खोज की, और महापाषाण यानी मेगालिथ पर उन्होंने काम भी किया। आगे ब्रह्मगिरी की खुदाई के बाद सर मार्टिमर व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व में मेगालिथ के महत्व को स्थापित किया। तो यहाँ पर क्या है, सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या है, इस महत्व को स्थापित किया था। आगे है महापाषाण यानी मेगालिथ देश भर में फैले हुए हैं, सिर्फ जो है साउथ में ही नहीं है, जो हमारा इंडिया है वहाँ के मध्य भारत, उत्तर भारत और जो है पूर्वी भारत में भी हमें देखने को मिलता है, और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विंध्य महाराष्ट्र के विदिशा क्षेत्र और दक्षिण के अधिकांश, दक्षिण में तो लगभग लगभग यहाँ पर बताया गया है कि अधिकांश हिस्सों में क्या है ये चीज़ देखने को मिलते हैं महापाषाण। इन क्षेत्रों में महापाषाण संस्कृति किससे जुड़ी हुई है, तो लोहे से, तो दक्षिण भारत में लोहे से जुड़ी हुई है, और अगर उत्तर और पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर लोहे से जुड़ी हुई नहीं है, इस चीज को हमें याद रखना है। महापाषाण संस्कृति के अवशेष उत्तर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, बस्तर क्षेत्र और बिहार के सिंहभूम क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, हालांकि यहाँ वे एक अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोहे से जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर भारत और मध्य भारत, मध्य प्रदेश और जो बिहार है, पूर्वी भारत है, मेघालय, यहाँ पे जो इसी तरह की संस्कृति है वो लोहे से जुड़ी हुई नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। आगे देखते हैं महापाषाण काल के काले और लाल भांड जो हैं 1700 ईसा पूर्व के बीच पाया जाता है, लेकिन C14 जो कि काल निर्धारण करने की एक पद्धति है उसके अनुसार दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व के अंतर क्या है रखी गई है। यदि भी पूर्वोत्तर और पूर्व दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी समूह अभी भी क्या करते हैं, इसी महापाषाण संस्कृति के स्थापित करते हुए अभी भी हमें देखने को मिलता है। आगे 1949 में बीडी कृष्णा स्वामी ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद दक्षिण भारत महापाषाणों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया है, तो इन्होंने ही छत वाले, बिना छत वाले जो भी हैं, तो इन्होंने ही वर्गीकृत किया है बीडी कृष्णा स्वामी ने। उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मुख्य एकाग्रता के साथ
क्या है, 40 से अधिक प्रकार और उप प्रकार पाए गए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर कुछ मेन जो प्रकार हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कक्षयुक्त, तो ये सबसे पहला नंबर है। तो कक्षयुक्त कपड़े मतलब ऐसे कपड़े जिनके ऊपर क्या है, एक पत्थर रख के एक कमरा नुमा बना दिया है, तो उसको बोलेंगे कक्षयुक्त कपड़े, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक होल भी है जिसका भी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक घर बना दिया, इसके ऊपर एक एक ही पत्थर से ढक दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवेश मार्ग जो है कक्ष कब्र, ये है रूप में अनियमित और इसमें एक प्रवेश मार्ग होता है जो मुख्य कक्ष में जाता है। यहाँ शवाधान किया गया है। यह प्रकार कर्नाटक में तरडल, हलिंगली और हुन्नार में पाई जाती है। अब गवाज पोर्ट होल, जैसे कि होल है यहाँ पर, पोर्ट ये इसी का एग्जांपल है। इन कक्षों में एक दीवार पर एक प्रकार का छिद्र होता है जिसके माध्यम से क्या है, हड्डियों को रखा जाता है या कब्र या समाधि समान रूप से चढ़ावा होता है। ये महापाषाण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में कई स्थानों पर भी पाए जाते हैं। आगे है गवाच या ताबूत, तो यहाँ पे क्या है, ये भी यह प्रकार क्या छिद्र कक्ष के समान है। हालांकि कक्ष वाली कब्र पूरी तरह से भूमिगत होती थी, मान लो ये भूमि है तो यहाँ इसके नीचे क्या है, वो कब्र है और इसके शीर्ष पर मलबे की परत होती थी और खड़ी शिला फरक से बनी ताबूत के चारों ओर, तो इसके चारों ओर क्या है, पत्थर रख के क्या है, इसको ढक दिया गया। तो रद्देदार ढोकर चिनाई की जाती थी और ये क्या है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में कई स्थानों पर भी पाई गई है। आगे है शिला फलक व्रत के साथ ताबूत, यहाँ प्रस्तर व्रत शिला फलक से बना है और शीर्ष एकांतर ढंग से गोल और सपाट है। ये संरचना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में इरुलांग बाड़ा और बोपनाथम में देखी जाती है। आगे है चट्टानों को काटकर बनाई स्मारकें, ये भूमिगत कक्ष है और जो नरम लेटराइट चट्टान में लंबवत काट के द्वार प्रवेश दिया गया है, काट कर क्या है प्रवेश वहां पर बनाया गया है और सीढ़ियां दी गई हैं। अब यहाँ पर नीचे जो है स्मारक मतलब कोई जो है कब्र है, तो यहाँ नीचे जाने के लिए क्या बनाई गई है, सीढ़ियां बनाई गई हैं जो गुम्बदाकार छत के साथ एक गोलाकार वृत्ताकार आयताकार कक्ष की ओर होता था जो शीर्ष पर खुला होता था। यह कर्नाटक में मल्लपुरम जिले के पिक हिल हल देखा जाता है। अगला है टोपिकल, तो यहाँ पर टोपिकल का यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर लगाया है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता था। तो यहाँ से भी एक जगह है और यहाँ से भी कुछ जगह है और ये क्या है, एक टोपी नुमा जैसे टोपी लगाते हैं ना सिर में, उसके सिर में भी यहाँ पर रख दिया गया है। तो आगे देखते हैं इसका विस्तार। तो टोपिकल जो है, टोपिकल इसकी शब्दावली भी पूछ सकता है एग्जामिनर की, टोपिकल जो है किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर होगा महापाषाण। यहाँ टोपिकल तीन या चार बड़े शिलाखंडों पर टिका होता है और टोपिकल उत्तल टोपीकार टोपी की तरह दिखता है, इसलिए से स्थानीय रूप में से टोपी कक्कल हेड स्टोन कहा गया है। एक भस्म कलश संरचना के नीचे एक गर्त में रखा जाता है। यह केरल के मालाबार क्षेत्र में एक सामान्य प्रकार से क्या है, उपलब्ध है। तो ये कहाँ पर है, टोपिकल केरल में। आगे है कुदाई कल, यह टोपिकल का एक रूपांतर है जहाँ शीर्ष प्रस्तर समतल उत्तल है और छाता प्रस्तर जैसा हमें देखने को मिलता है। यह टोपिकल के पास ही पाए जाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं हम इस तरह से छातानुमा है। आगे है बहुसंख्यक शीर्ष प्रस्तर, तो यहाँ पर जो
पिक्चर है, मतलब ये टॉपिकल जो है वो बहुत बड़ी संख्या में एक ही जगह पाए गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बहुसंख्यक शीर्ष प्रश्न। जैसे कि पिक्चर में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। यह एक दुर्लभ प्रकार का टॉपिकल है जो केरल के चेर मनगंड में पाया जाता है। यहाँ चार के बजाय 5 या 12 बड़े शिलाखंडे बहुसंख्यक शीर्ष प्रस्तर को सहारा देते हैं, मतलब ऊपर जो पत्थर टंगा हुआ है टोपी नुमा, तो उसको क्या है, सहारा देने के लिए बहुत सारे पत्थर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे बताया ना, 5 से 12 पत्थर लगाए गए हैं और फिर क्या है, इसके ऊपर एक पत्थर बड़ा रखा गया है। अब हम बातें करते हैं किसकी, बिना कक्ष वाली कब्रों की। तो यहाँ पर कोई, देखिए यहाँ पर एक बस पत्थर को नीचे जमीन में गाड़ दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है, और उसके में देखते हैं कई प्रकार हैं, जैसे गर्त अंत्येष्टि, ये 2 से 4 मीटर का गर्त होता था जहाँ एक मृत शरीर रखा जाता था। ये सामान्यतः तिरछे अंडाकार और बेलनाकार जो है दिखाई देते, मतलब ये जो है तिरछे अंडाकार बेलनाकार गर्त हैं जो जमीन में खोदे गए हैं, जिसमें कंकाल अवशेष, काल और लाल मृदभांड और लोहे की वस्तुएं, ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पत्थर रखा गया है जहाँ पर वो जो कब्र बनी है उसके ऊपर, और जब हमने खुदाई की तो वहां से क्या मिले हमें, लोहे की वस्तु। इसलिए क्या है, दक्षिण भारत में महापाषाण जो है लोहे से जुड़े हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पाषाण काल के बाद क्या है, लोहे युग देखने को मिलता है, ना कि ताम्र पाषाण का। आगे है मेनहिर या नडुकल, ये 1 से 3 मीटर ऊंचाई के एकल खड़े एकाश में है। ये आमतौर पर पास में एक कलश अंत्येष्टि की मौजूदगी को भी चिन्हित करते हैं। ये साधारणतया केरल के एर्नाकुलम जिले के पलका और त्रिचूर और आंध्र प्रदेश के मुरादोंडी में देखे जाते हैं। स्तूपाकार व्रत है, ये गर्त जो है दफन, मतलब नीचे गड़े होते हैं, जो काफी गहराई पर एक स्तूपाकार पत्थरों का ढेर होता है। ये पत्थरों के एक व्रत के अंदर मलबे का हल्का ढेर होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्तूपाकार ढेर भारी है, जबकि तमिलनाडु के क्या है, हल्के हैं। तो कर्नाटक के भारी हैं और तमिलनाडु के क्या है, हल्के हैं। आगे मिट्टी के बने सपाट ताबूत, ये नावों के आकार के मिट्टी के बने नांद जैसे होते थे, जैसे नांद देखे ना यहाँ पे, उसमें पानी भरते थे, तो इस तरह से क्या है, मिट्टी के बने होते थे नांद नुमा, जिसमें 2 पंक्तियों में खोखले पाए और ढक्कन के लिए 2 ढक्कन होते थे। इसमें मृदभांड लोहे की वस्तुओं के साथ कंकाल के भी अवशेष होते थे। इनकी खोज तमिलनाडु के जादीग ला हल्ली और पालातवरम और आंध्र प्रदेश के गजला कुंडा और शंखवरम में की गई है। अगला, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे महापाषाण हैं जिसमें कब्र नहीं है, ना तो कोई छत वाली और बिना छत वाली, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, हमें इस महापाषाण के तत्व वहां पर मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का विवाह या किसी का भोज हुआ है तो वहां पर क्या है, भोज हुआ है उस जगह को चिन्हित कर देना ही क्या है, ये गैर कब्र महापाषाण कहा गया है। आगे देखते हैं, इन महापाषाणों का कब्र या अंत्येष्टि का कोई काम नहीं था, इन्हें संभवतः लौह युग के लोगों द्वारा औपचारिक प्रयोजनों के लिए बनाया जाता था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट शब्दावली है मेनहिर। मेनहिर क्या है, एकल गड़े या अनगड़े खड़े प्रस्तर जिनका मूल जमीन में गड़ा होता था। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेघालय यानी भारत के पूर्वी भाग में, मेघालय राज्य के खासी समुदायों द्वारा एक भव्य दावत या घटना के यादगार के रूप में स्थापित किया जाता है। आगे प्रस्तर श्रृंखला, तो प्रस्तर श्रृंखला वही जैसे इस तरह से है, तो बहुत सारी क्या है, एक साथ यहाँ पर रखे गए हैं, तो ये क्या हो गई प्रस्तर, तो ये क्या रखे गए हैं, एक पंक्ति में। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि एक पंक्ति में रखे हुए प्रस्तर या मेनहिर
जो है उसको पस्तर श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है। ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश और केरल में भी पाए जाते हैं। अगला है, अब हम देखते हैं कि कालक्रम, इसका कालक्रम क्या था। तो दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति क्या है, लौह युग की शुरुआत मानी गई है। कुछ स्थानों पर यह नवपाषाण संस्कृति के साथ साथ अति व्याप्त पाया गया है। दक्षिण भारतीय महापाषाणों की तिथि जो है निश्चित नहीं है। इसका निर्धारण स्त्रित शैल विज्ञान यानी स्ट्रेटिग्राफी, संगम साहित्य और सिक्के और बर्तन के मिट्टी के बर्तनों और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो निर्धारण है वो कुछ इन प्रकारों से किया गया है। ब्रह्मगिरी में सांस्कृतिक अनुक्रम के आधार पर व्हीलर ने तीसरी शताब्दी BCE से पहले शताब्दी CE के बीच क्या है महापाषाण की तिथि निर्धारित की है। दक्षिण भारत महापाषाण दफन स्मारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस काल के सिक्कों के साथ मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार अक्सर वहां पर क्या है हमें देखने को मिलता है। चंद्रावली से रोलेटिट मृतभांड पहली शताब्दी CE का एक रोमन चांदी का सिक्का भी हमें देखने को मिलता है चंद्रावली से। आगे कोयम्बटूर में एक पत्थर ताबूत कब्र में रोमन सम्राट अंगस्टस जो कि जिसका समय था 63 से BCE से 14 CE का एक सिक्का हमें वहां से मिला है। अगर हम संगम की बात करें तो संगम साहित्य में विभिन्न प्रकार की दफन प्रथाओं का भी उल्लेख किया गया है जो मवेशियों को चुराने के आक्रमण के दौरान मारे गए नायकों की याद में स्मारक पत्थरों को क्या कर दिया, खड़ा करने की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करता है। मतलब संगम साहित्य में ये मिलता है कि जब पशुओं की चोरी हुई तो उसमें जो शहीद हो गए उनकी नायकों की याद में क्या है वहाँ पर जहाँ पर उनका शवाधान किया गया तो वहाँ पर क्या कर दिया, पत्थरों को खड़ा कर दिया, तो ये चिन्हित कर दिया, ऐसा उल्लेख हमें संगम साहित्य में मिलता है। दाह संस्कार पत्थर ताबूत कब्र हांडी कब्र शवाधान और खुले में शव को राज प्रमुख प्रकार हैं। अब ये जो प्रकार हैं पांच प्रकार वो कहाँ मिलता है, मैं मणिमेखलई में मिलता है, ठीक है, मणिमेखलई और शिलभ डिगारम में मिलता है। तो मणिमेखलई और शिलभ डिगारम में पांच प्रकार को शवों को रखने का प्रकार मिला है। यहाँ पर मृत्यु संस्कार मिला है। इन सभी प्रकार की प्रथाओं को दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति में परिलक्षित किया गया है। संगम साहित्य की रचना पहली शताब्दी BCE से लेकर तीसरी शताब्दी के दौरान हुई थी। आगे है अब C14 यानी रेडियो कार्बन तिथि देखते हैं तो महापाषाण स्थलों से उपलब्ध है। कर्नाटक के हल्लूल स्तर पर 1105 BCE और 955 BCE की दो रेडियो कार्बन तिथियां जो है महापाषाण संदर्भ में बताई गई हैं। विदर्भ से नाईकुंड से नकल घाट के स्थलों से 700 BCE की रेडियो कार्बन तिथियां दी गई हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति विदर्भ की महापाषाण संस्कृति से बहुत पहले शुरू हुई थी। इन साक्ष्यों के आधार पर दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति और दक्कन को 1000 BCE और 100 BCE के बीच में रखा गया है। तो एक मोटी मोटा जो बात है यहाँ पर क्या है कि इसकी जो तिथि है 1000 BCE और किसके बीच 100 BCE के बीच रखा गया है, इन सब बातों को जोड़ते हुए। आगे अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत के जो महापाषाण कब्र हैं उनसे हमें लोहे के औजार में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तीर मिले हैं, खंजर मिले हैं, तलवार मिली है, भाला मिली है, त्रिशूल मिले हैं, लड़ाई कुल्हाड़ियाँ ये मिली हैं लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते, तो कोई सा भी कोना क्या है जाके उसको सीधा लगेगा। आगे कुदाली मिली है और सांझा हल मिला है, ये हल मिला है, और यहाँ पर दराती मिली है, दराती ये सारी क्या है दराती ही है।
और रकाब, रकाब कहाँ इस्तेमाल होती है? तो घोड़े में रकाब इस्तेमाल होती है, तो ये रकाब मिली है। कलछी, कलछी एक जैसे हमारी चम्मचें होती है ना, हम चम्मच से सब्जी और उन सबको क्या है टारते हैं, मतलब सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कलछी है। तिपाई है, मतलब इसके तीर पे तिपाई है। और दीपक, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें ये इंगित करती हैं कि महापाषाण जो है लोहे से संबंधित थी दक्षिण भारत के। आगे देखते हैं अब महापाषाण काल के लोगों का दिनचर्या किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, महापाषाण स्थल जो है आमतौर पर पानी, पत्थर और लोहे, सोने, अन्य धातुओं के स्रोतों के पास पाए जाते हैं। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब यहाँ के लोग क्या है खेती बाड़ी ही करते थे, ग्राम में रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें कृषि पशुपालन निर्वाह के प्रमुख साधन थे, मतलब कृषि करो और पशुओं को पालो, यही यहाँ के जीवन यापन करने की दो साधन थे। शायद वे सिंचाई तकनीकी से परिचित थे, मतलब सिंचाई जो है टेक्निक उनको पता थी, और खेती में लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। चावल, जो चने के दाने उनकी कब्रों से मिले हैं, मतलब वहाँ के लोग चावल, जौ और चने क्या है खाते होंगे। पालतू पशुओं में क्या क्या मिला है? गाय मिला है, भैंस मिला है, घोड़ा घोड़ा मिला है, भेड़ मिला है और बकरी भी मिली है। तो ये सारे जानवर पाला करते होंगे। इस संस्कृति को एक जटिल सामाजिक रूप में चिन्हित किया जा सकता है, जहाँ विभिन्न तत्व जो है शिल्प और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सहयोग कर रहे थे। महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार, काले और लाल मृदभांड। तो कभी मृदभांड पूछा जाए कि महापाषाण काल में मृदभांड कौन से, तो काले और लाल ही थे। अर्ध कीमती पत्थरों के मोती, सीप, धान, भूसी और आभूषण, चूड़ी, हार, अंगूठी जैसे कई कलाकृतियां यहाँ पर मिली हैं। एक बार में एक से अधिक लोगों को एक जगह दफनाया जाता था, मतलब एक एक व्यक्ति मर गया, फिर दूसरा व्यक्ति मर गया तो उसको भी यहाँ पर, फिर तीसरे, तो एक से अधिक बार अधिक लोगों को एक ही जगह दफनाया जाता था। यह इंगित करता है कि वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। महापाषाण के निर्णय में किसी तरह का सामुदायिक प्रयास माना जाता है, क्योंकि बड़े पत्थरों से काम करना एक बहुत ही क्या है जटिल कार्य होता था। तो ये जो महापाषाण बनाए गए हैं, तो ये कि क्या है समुदाय के द्वारा योगदान दिया होगा तभी इनका क्या है निर्माण कर, और इस तरह से महापाषाण क्या है का निर्माण किया गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।